नमस्कार। सर्दियाँ आ गई है और खांसी की तकलीफ बहुत कॉमन रहेगी। पोस्ट कोविड सिनेरियो में कोविड चाहे हुआ हो ना हुआ हो, आप एक्सपोज हो ना हो, लेकिन एक हल्के से खांसी के ठहाके से भी डर का साइकिल शुरू हो सकता है। तो द फियर साइकिल कैन स्टार्ट फॉर यू एंड द फैमिली बोथ। तो ऐसे माहौल में हमने अक्सर देखा है हर एक घर में सर्दी खांसी बुखार के लिए कन्वेंशनल मेडिसिन का एक इमरजेंसी या फर्स्ट एड जैसा रखा रहता है, कोई कॉफ सिरप घर में रहती है। इसी चीज को अगर हम होम्योपैथी से रिप्लेस करें तो उसके फायदे बहुत सारे हैं। एक तो नेचुरल है, मोस्टली सारी दवाइयां या तो प्लांट बेस्ड है या एकदम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स में से ली गई है, तो मतलब कोई केमिकल फॉर्मुलेशंस नहीं है। यानी ये चीज होम्योपैथिक दवाइयां आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, अगर ये ठीक से ट्रीट हो गया तो जो रिकरेंस है वो कम हो जाएगा और होम्योपैथिक दवाइयां आपके शरीर का नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स यानी आपके शरीर का खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति जो है उसे बढ़ाती है। तो ऐसी कौन सी दवाइयां है जिसे हम घर पे रख सकते हैं जिसके कारण हम खुद ये खांसी या सर्दी जैसी कॉमन तकलीफों को ठीक कर पाए? तो अगर ये नाम जानते हैं, अगर हम घर पे इसे रख सकते हैं, तो शायद डॉक्टर की विजिट्स भी कम होगी और जो भी आप ट्रीट कर रहे हैं तो वो आप नेचुरली ट्रीट करेंगे और आपके बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ठीक से मेंड करके यानी उसको वापस प्रस्थापित करके आप ज्यादा लंबे समय तक स्वास्थ्य भुगत पाएंगे। तो आइए जानते हैं ऐसी कॉमन दवाइयां जो आपको अलग अलग प्रकार की खांसी में हेल्प करेगी। तो इसे इजी करने के लिए पहले मैं टाइप्स ऑफ कॉफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्या क्या कारण से खांसी हो सकती है, ताकि आप अपनी प्रकृति के हिसाब से आप जानते हैं कि आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को किस प्रकार की खांसी होती है, उस प्रकृति के हिसाब से ही आप दवाई ले सकते हैं या घर में रख सकते हैं। इनकी शेल्फ लाइफ, डोजेज, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले जो कॉमन कॉज होता है खांसी का वो है कोल्ड एक्सपोजर से, क्योंकि होता यह है कि सर्दियां जैसे शुरू होती है अचानक से एक दो तीन दिन में पूरा माहौल चेंज हो जाता है और हम ऐसे ही अपने पहले की आदत में यानी कि पिछली सीजन की आदत में कान पे कुछ डाले बिना या प्रॉपर प्रोटेक्शन के बिना बाहर निकल जाते हैं और चाहे वो मॉर्निंग वॉक के लिए हो, चाहे वो नजदीक की जगह पे कुछ चीज लेने के लिए टू व्हीलर पे चले गए, तो इनके कारण सडन कोल्ड एक्सपोजर या सडन कोल्ड विंड के कारण जो खांसी होती है, दैट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ कॉफ कि आपको हवा लग गई और खांसी शुरू हो गई। यहाँ पे एकोनाइट नाम की दवाई बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, एकोनाइटम नेपेलिस। उन कौन सी पावर में लेनी है और कैसे लेनी है ये हम आगे जानेंगे। तो एकोनाइटम नेपेलिस इज अ मेडिसिन विच इज वेरी मच एफिशिएंट हियर कि जहां सडन कोल्ड एक्सपोजर के कारण खांसी होती है। वैसी ही एक दूसरी दवाई है ब्रायोनिया अल्बा। तो ये दो दवाई हवा लगने की वजह से जो खांसी होती है उसमें बहुत ही काम करती है, अच्छी तरीके से काम करती है। तो एकोनाइट या ब्रायोनिया, ब्रायोनिया जहां पे खांसी के साथ बहुत सारी प्यास हो, प्यास लग रही है और गला सूख रहा है, वहां पे ब्रायोनिया अच्छी तरीके से काम करेगी। कभी कभी ये खांसी के साथ टॉन्सिल्स भी इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं यानी गले में टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड रेड हो जाते हैं, गले में दर्द रहता है, खाने पीने में दिक्कत रहती है, वहां पे बेलाडोना नाम की मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी। तो बेलाडोना जो दवाई है वो खांसी के साथ जब गले में दर्द होता है उसके लिए आप अवश्य ले सकते हैं। और एक चीज है बेलाडोना के लिए स्ट्राइकिंग कि जिन लोगों को रात को खांसी होती है, स्पेशली रात को सोते समय या बेड में जाके खांसी हो रही है, तो उन लोगों को बेलाडोना नाम की मेडिसिन रखनी ही चाहिए, वो उनको बहुत ही जल्द कुछ ही घंटों में आराम दे देगी। अच्छा, ये खांसी के साथ जब गले में दर्द भी होता है तब कभी कभी बुखार भी साथ में आ जाता है, तब वहां बुखार में बेलाडोना भी काम करती है। और दूसरी एक दवाई है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी वो है हेपारसल्फ। हेपारसल्फ को लेमेन के लिए, आम आदमी के लिए होम्योपैथिक एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसी दवाई है जो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन जो गले में होता है, कभी कभी टॉन्सिल्स के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाता है, येलो डॉट्स हो जाते हैं,
अगर आप ठीक ढंग से आईने में मुंह खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टॉन्सिल्स रेड है, उसके ऊपर येलो येलो डॉट्स है, वहां इन्फेक्शन रहते हैं। और इस इन्फेक्शन के लिए किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे ना जाए और आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से लोअर में ना जाए, उसके लिए हेपासल्फ बहुत ही कारगर दवाई है। तो एकोनाइट, ब्रायोनिया, बेलाडोना और हेपासल्फ। अब जब खांसी छाती बोल के होती है, जब छाती में आपको एक घरघराहट सी सुनाई दे रही है, या आपके बाजू में जो कोई सो रहा है, या आपको खुद को रात को या शांत माहौल में घरघराहट सुनाई दे रही है, वहां पे एंटी टार्टरिकम का बहुत ही बढ़िया रोल है। तो इतनी दवाई अगर हम जान ले, एक ड्राई कफ के लिए, एक थ्रोट कफ विथ थ्रोट पेन, कफ विथ इन्फेक्शन यानी फीवर भी हो सकता है, ठंड लग के बुखार आना, गले में दर्द होना, ये इन्फेक्शन की साइन है। कफ जो रात को खांसी ज्यादा बढ़ती है उसके लिए, और कफ जो छाती बोल के गरगराहट के साथ खांसी आती है, इतनी कॉमन जो प्रकार की खांसी है, इनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मदद कर पाएंगी। ये मेडिसिन आपको जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, आप 30 पोटेंसी में ही लेंगे, यानी 30 पावर में, 30 पोटेंसी में। और इनके अलावा एक चीज जो आप रख सकते हैं वो है स्टोबल सिरप। स्टोबल बहुत ही इफेक्टिव सिरप है। 2 चम्मच सिरप आप गर्म पानी में, हल्के गुनगुने से गर्म पानी में डाल के 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। कॉफेट बैक्सन की भी एक अच्छी सिरप आती है, जिसको भी आप उसी सेम तरीके से 2 चम्मच आधे कप गर्म गुनगुने, हल्के गुनगुने पानी में डाल के ले सकते हैं। तो दिस इज अगेन, ये सारी एज ग्रुप के लिए है, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, बुजुर्गों को भी आप ये सिरप और ये दवाइयों में से जो भी उनको अच्छी तरीके से लागू पड़ती है वो आप दे सकते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो 30 पोटेंसी में लेंगे, रिपीटेशन दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 बूंद आधे कप पानी में डाल के ले सकते हैं, या सीधा जीप पर डालकर भी ले सकते हैं। तो इतना करने से मुझे लगता है आपको अपनी खांसी से निजात पा जाएंगे। और अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट करवाएंगे, इफ यू टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन फ्रॉम अ होम्योपैथ नियर बाय, ये सिर्फ आपको हेल्प करेगी। अगर इसके बावजूद खांसी रहती है, रिकरेंस रहती है, तो कंसल्ट अ होम्योपैथ नियर बाय। तो उससे क्या होगा कि ये आपका पूरा रिकरेंस का साइकिल टूट जाएगा, बट डेफिनेटली दिस वुड रिप्लेस द केमिकल मेडिसिन इन योर ड्रॉवर्स विद सम नेचुरल, वेरी सेफ, जेंटल एंड इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिकेशन। सो पुट अप एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव इन द कमेंट बॉक्स बिलो। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप थ्रू कंसल्ट भी कर सकते हैं। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।